फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने ऑन लोकेशन देखा, करण ने आपको एक रिंग के ऊपर उन्होंने हाथ लगाया, तो उस के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली करण ने रिंग देखा और उसे याद आया ये चीज़ें जो वो बीच में छोड़ के चला गया था, वो प्रपोज़ नहीं कर पाया था तब, बट अब वापस आ गया है तो वो प्रपोज़ करने वाला है मोनामी को ऑफिशियली, तो आज हमने वो प्रपोजल वाला सीन भी किया। बल्ली और करण के कैरेक्टर में ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस है, बिकॉज बल्ली अलग दुनिया से आया हुआ है, वो उसके बात करने का तरीका, उससे सोचने का तरीका, उसके रिएक्ट करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका अलग है। करण इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड, इज़ वेरी वेल बिहेव्ड, इज़ अ ट्रू जेंटलमैन, तो ऑब्वियसली अलग है दोनों बहुत। हाँ बेसिकली मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो रूम में ना जाए, वाइल भाभी इज़ इम्प्लांटिंग समथिंग ऑन हिज लैपटॉप सो दैट हम उनके सारे मूवमेंट सारी चीज़ें ट्रैक कर सकें। सो बेसिकली मुनामी उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा वहाँ जाके स्पेशली कि स्पॉट हो जाऊँ वो तो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, और आई डोंट थिंक कि ऐसा स्पेशली माइंड में रख के ऐसा कुछ करूँ, यू नो लाइफ में वो फन नहीं रह जाता, यू नो व्हेन यू लिव your life, you live each and every moment, you do not realize all these things and you do not give those things, these are a part and parcel of your job, but specifically मैंने तो ऐसा नहीं किया है, but हाँ मैं तो जाती रहती हूँ, malls जाती हूँ और and बहुत ही normally जाती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ओ अच्छा, मैं कब जाती हूँ कब आती हूँ, मैं तो पैकअप के बाद ही निकल जाती हूँ, मेक टाइम फॉर माई सेल्फ, लाइक अनवाइंड करने के लिए मैं पैकअप के बाद कभी सीधा घर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, अगर पहले पैकअप हो जाता है तो आई गो सिट इन अ कैफे, यू कैन स्पॉट मी देयर मे बी स्टारबक्स या कहीं। फैंस के लिए तो आई हैव ऑलवेज बिन लकी टू हैव सच अमेजिंग लॉयल फैंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ यू रिश्ते हैं प्यार के, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल एंड ओवरवेल्म विद द काइंड ऑफ लव यू गाइज गिव मी एंड गिव आस द टीम, थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग सिद्धि दिल मानेना सोमवार से शनिवार रात 8 बजे ओनली ऑन सोनी सब।